इसमें क्या संदेश है उनके जाने के बाद, तो अभी तो हम लोग सब पूरा संगठन इस बात से उभर रहा है धीरे धीरे, लेकिन उसके साथ में जो भी उनके विचार, उनके योजनाएं, क्षत्रिय समाज का उत्थान किस तरीके से और बेहतर तरीके से किया जाए, उन सारी चीज़ों को उसी प्रकार से, जैसे मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ एक आधी एक दो बार, उसी तरीके से भविष्य में कार्यप्रणाली बना करके चला जाए। उनकी मुख्य मांगों में से एक तो यही थी कि भगवान राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट बनाया जा रहा है उसमें क्षत्रियों की नुमाइंदगी एक भी सदस्य की नहीं है। उस चीज़ के लिए हम अडिग हैं और इसको जिस तरीके से भी, जितना भी समय लगे, हम अपनी इस मांग से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे एक प्रतिशत भी। दूसरी बात, एक उनका और भी लक्ष्य था कि भारतवर्ष तो भारतवर्ष ही, पूरे विश्व का कोई भी क्षत्रिय समाज का व्यक्ति कहीं भी प्रताड़ित हो, कहीं पर भी दुखी हो, कहीं किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, उसके उसकी जितनी हमारी पहुंच हो, जितनी दूर तक हम जा सकें सहायता करने के लिए, हमारे संपर्क में आता है, हमारे संज्ञान में आता है, हम तत्पर हैं उसकी सहायता करने के लिए। ये एक अपलिफ्टमेंट का भी तरीका है और ये आवश्यक भी है आज के समय। उनके विचारों और नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कोई योजना है भविष्य में आपके लिए, आपके पास? जन जन तक पहुंचाने के लिए योजना यही है कि सबसे बड़े स्तंभ तो आप लोग ही हैं, जो मीडिया है, हम आपके सामने अपनी बात रख सकते हैं, सरकार के पास जा सकते हैं, जनता तक जाएंगे और सबको इस विषय में बताएंगे। इस चीज़ का प्रचार प्रसार आप लोगों के साथ मिलकर किया जाएगा। किस प्रकार से राजा राजेंद्र सिंह को राम वंशज मान करके मध्य प्रदेश के कई एरिया में उनकी आरती भी उतारी गई, तो आज वो सारे के लोग आए हुए हैं जो पूरे संगठन में? आज संगठन में मुख्य पदाधिकारियों को ही आमंत्रित किया गया, क्योंकि सरकार की कुछ बाध्यताएं हैं कोरोना काल को लेकर के, इसलिए उस प्रकार का प्रदर्शन और मतलब उस तरीके का हमने आह्वान नहीं किया जिसमें कि हर सदस्य आ सके, क्योंकि एकत्रित होने पर भी कुछ पाबंदियां हैं और हम सामाजिक जिम्मेदारी अपनी समझते भी हैं। इसलिए आज मात्र पदाधिकारियों और जो भी प्रदेश लेवल का या ब्लॉक लेवल का या डिस्ट्रिक्ट लेवल का या राष्ट्रीय लेवल का जो भी पदाधिकारी आज सिर्फ वो आए हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने राजा साहब को, और बस इसके बाद जब भी सरकारी नियमों में ढील दी जाएगी उसके अनुसार आगे कार्यप्रणाली हम लोग चलाएंगे। प्रवीण अरोड़ा जी, जिस तरीके से राजा साहब के साथ आप उनके आरक्षण के मुद्दों को लेकर हमेशा आए थे, उनके साथ बोलते थे, आज उनकी कमी महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज फोन किया था राजा साहब, देशभक्त वीर महावीर, उनकी श्रद्धांजलि सभा पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और उनके सुपुत्र अनिल सिंह जी पूर्व में जिस प्रकार से राजा साहब का पूर्ण समर्थन भारत राष्ट्र में आरक्षण, विशेषकर जातिगत आरक्षण समाप्ति विचारधारा रही है, उसी प्रकार से अनिल सिंह जी ने हमें पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन किया है और आने वाला समय इसका परिचायक होगा कि भारत राष्ट्र में जातिगत आरक्षण समाप्त होगा,
और आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा और संपूर्ण भारत राष्ट्र में हस्ताक्षर अभियान प्रारंभ है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जिस प्रकार पूर्व में तटस्थ विचारधारा राष्ट्र में समर्पित रही और आने वाले समय में भी वह पूर्ण भूमिका में रहेगी, ऐसा हमारा आश्वासन है। और मात्र मौखिक रूप से आश्वासन नहीं है, जमीनी स्तर पर भी संपूर्ण भारत राष्ट्र में आने वाले समय में एक बिगुल जो पूर्ण से बजा हुआ है वह संपूर्ण भारत राष्ट्र में नजर आएगा। मेरी ओर से, आरक्षण विरोधी आह्वान ट्रस्ट की ओर से राजा साहब को श्रद्धांजलि और वर्तमान समय में आने वाले जीवन की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सब लोग यहाँ पर जुड़े और आए पिताजी के लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और एक कुटुंब की तरह हम उनके सपनों को आगे पूरा करेंगे। इसके लिए हम आप लोगों से ये बोलना चाहते हैं कि सब मिल करके साथ दीजिए और उनके सपनों को हमारे साथ मिल के पूरा कीजिए। सुरेंद्र जी, इस प्रकार से आप राजा साहब छाया बन के उनके साथ में रहते थे और आपको उनका प्यार संबंध था, हर वक्त कहीं भी जाना आना था तो आपको ही वो लेके चलते थे। आज तो मेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं जा रहा, मतलब इतना भावुक हो गए, आंसू आ रहे, मतलब 24 घंटा हम साथ रहते थे और उनके ऐसे ऐसे सपने आज उनके, मैंने अनिल जी को बोला साथ में मिलते थे लेकिन आज उतनी बातें नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत सारी उनकी जो समाज के लिए उन्होंने काम किया, इस पृथ्वी में कोई ऐसा क्षत्रिय नहीं है जो उन्होंने मतलब खुल के विरोध करना, खुद किसी कार्य को मतलब खुल के ऐसा शेर आज तक ना हुआ ना कभी होगा। हम उम्मीद लगाते हैं अनिल भाई जैसे पिताजी आप थे वैसे आप वही गुण आपके अंदर निकले, हम आपके साथ हैं हमेशा जो है। और आरक्षण एक हमारी मांग है क्षत्रिय समाज न्यास की भी और सब क्षत्रिय समाज की, आरक्षण सबको या तो किसी को नहीं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज ये हमारा पिता हमारे पिताजी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम था और मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे पिताजी से किस तरीके से लोग जुड़े हुए थे वो अभी आपने सामने देख लिया और ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मतलब हम इसे ये सोचे कि कुछ हमें ऐसे ही मिल गया है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसे हमें आगे लेकर बढ़ना है और इस चीज़ को हम महसूस कर पा रहे हैं। साथ ही मैं राजा राजेंद्र सिंह के बारे में कहना चाहूँगी कि वो उनकी मृत्यु नहीं हुई, वो एक विचार थे, वो एक सोच थे, आदर्श थे वो, और जो सोच होती है, जो विचार होते हैं, जो एक आदर्श होता है वो कभी उसका कभी अंत नहीं हो सकता। तो वो हर जन्म यहाँ पर वो है, हर एक व्यक्ति में वो यहाँ पर है और इस बात को महसूस भी कर सकते हैं। और अगर उस विचार को हमने ज़िंदा रखा, उस सोच को ज़िंदा रखा, तो वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे और जो उनके जो मुद्दे थे, जो उनकी मांगे थी, वो तो हमारे ऊपर पूरी जिम्मेदारी और हर जन के ऊपर जिम्मेदारी है। जितने भी व्यक्ति हैं, मैं कहूँगी कोई उनका बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, कोई पुत्र समान है, कोई बहन है, कोई उन्हें दद्दा कहता था, कोई उन्हें ताऊजू कहकर बुलाता था, कोई उन्हें बड़े भैया कहकर बुलाता था। जितने इतने दिनों में जितने भी व्यक्तियों से मेरी बात हुई, आप मानिएगा हर व्यक्ति ने मुझसे यही कहा कि वो हमारे बहुत करीबी थे, बहुत करीब थे, ऐसा लगता है कि कोई हमारा बड़ा हमसे चला गया, हमारे ऊपर से साया हट गया। तो आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति इतने लोगों तक जुड़ा हुआ था और हर व्यक्ति जो उनसे जुड़ा हुआ था उसे ये महसूस हो रहा है कि उनका कोई गार्जियन चला गया है, तो उस व्यक्तित्व को आप समझ सकते हैं और उस व्यक्तित्व की जो सोच है, उनकी जो विचार है, जो उनके आदर्श है, उसे ज़िंदा रखने की हम सभी की जिम्मेदारी है, हमारे परिवार की, उनसे जुड़े हुए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जब तक उनके आदर्शों को, उनके सोच को हम जिंदा नहीं रखेंगे, हम शायद उनके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे और उनकी आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि उनके आदर्शों को, उनकी सोच को हमें ज़िंदा रखना है, ये हमें प्रण करना होगा। धन्यवाद। क्षत्रिय समाज के लोग राजा जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। हमारी दो मुख्य मांगे हैं। मौजूदा ट्रस्ट के अंदर रातू समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उसमें रातू समाज का प्रतिनिधित्व दिया जाए, 50% प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा, हमारे राजा जी ने श्री राम जन्मभूमि धाम ट्रस्ट बनाया था जिसमें 50% क्षत्रिय, 10% महिलाएं और 40% अन्य प्रबुद्ध लोगों की सहभागिता निश्चित की गई थी, तो उसको भी लागू किया जाए। और देश के अंदर
क्षत्रिय समाज पर कहीं भी अन्याय होगा तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा इसके लिए राजा अनिल सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगी। दर्शन में ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।